टोटल जो है वो दो ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये आपकी करंट नोट्स में भी लिखा हुआ है, और इसमें देख लीजिएगा। करंट नोट्स में देखिए, शुरू में इंडेक्स के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ये पेज नंबर 188 पे आइएगा आप, तो इंडेक्स के साथ ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें दो ही क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, और दूसरा है रेफरेंस ऑफ नॉवलिस्ट, कि उसने जितने डिफरेंट नॉवलिस्ट हैं उनके बारे में जो रेफरेंस दिया। नंबर दो सवाल, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अक्सर टफ लग रहा होता है कि मैम इतने सारे नॉवलिस्ट हैं उनका हम कैसे रेफर करेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन के बारे में आज मेरा मेन जो फोकस होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में होगा और उसकी समरी के बारे में होगा। पहले हम इसकी कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म की समरी पढ़ लेते हैं, देन हम उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म उसको कवर करेंगे, ठीक है? चले जनाब स्टार्ट करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रबियसे वला तवसे वतम्मिम बिलखैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अल्लाह हमें नफ़ा बख्श, इल्म अता फरमा, इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन, और तय्यिब रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ अता फरमा, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा जो कि कबूलियत वाला हो, जो कि कबूल हो जाए, ठीक है? समरी इन इंग्लिश। Edward Said's latest book, Culture and Imperialism, announced a study of the ways in which the culture of imperialism preceded and undergirded the colonial enterprises of the big European powers of yesteryear. Edward Said ki ye jo kitab hai Culture and Imperialism, ye announce kar rahi hai, aapko bata rahi hai a study of the ways. उन वेज के ऊपर वो फोकस कर रही है जिसमें इन विच द कल्चर ऑफ इम्पीरियलिज्म प्रेसिडेड, जिसमें ये जो इम्पीरियलिज्म का कल्चर है ये प्रोसीड कर रहा है, प्रोग्रेस किया है, एंड अंडरगर्डेड द कॉलोनियल एंटरप्राइज ऑफ बिग यूरोपियन पार्ट्स ऑफ यस्टरडे। और इसके अंदर का जो, जिसे कहना चाहिए अंदर की जो बात है वो क्या है, वो कॉलोनियल एंटरप्राइज है। कॉलोनियल किसे कहते हैं? कॉलोन डिफरेंट दूसरी टेरिटरीज को, दूसरे ममालिक को कॉलोनाइज कर लेना, उन पे काबिज हो जाना। ये जो पिछले दौर में, यस्टर ईयर में, कुछ गुजरे हुए कुछ सालों में जो छोटी छोटी कॉलोनीज होते हैं, छोटे ममालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, डिस्टेंट टेरिटरीज यानी कि दूर पड़े के इलाके, तो ये जो कॉलोनीज के ऊपर इन्होंने जो यूरोपियन, बिग यूरोपियन पार्ट्स ने जो मतलब एक अपना कब्जा किया, ये काबिज हुए, किस तरीके से हुए, ये सारी उसकी, उसके ऊपर एक इन्होंने एनलाइटन किया इसको। इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड टुडेज वर्ल्ड, हाउ द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज विद अमेरिका प्लेइंग द रोल ऑफ इम्पीरियल जायंट। इंग्लैंड फ्रांस, पहले के दौर में इंग्लैंड और फ्रांस ने ये रोल प्ले किया था, और अब उनकी देखा देखी अमेरिका ने भी, अमेरिका ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, और आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो वही सेम रोल जो कभी इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, रोम ने प्ले किया था, आज वही रोल अमेरिका प्ले कर रहा है ऑफ इम्पीरियल जायंट, एक इम्पीरियल जायंट के तौर पर, यानी कि दूसरे ममालिक के रिसोर्सेज, उनकी प्रोग्रेस हर चीज में आजकल अमेरिका का है, ऐसा ही है, यानी कि हर चीज जो काम किया जाता है वो अब अमेरिका से पूछ के किया जाता है, और आप देखेंगे डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज आज भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इन मेनी वेज द बुक इज कंटिन्यूशन ऑफ अ काइंड ऑफ वर्ल्डली स्कॉलरली क्रिटिसिज्म, और इन मेनी वेज अगर देखा जाए तो बुक जो है वो वर्ल्डली स्कॉलरली क्रिटिसिज्म की एक कंटिन्यूएशन है। किस चीज के बारे में? Imperialism. Imperialism means the practice, the theory, and attitude of dominating metropolitan center that rules a distant territory. ये बेटा imperialism की definition है, जो कि आपको याद करनी है, cram करनी है, क्योंकि ये Edward Said की definition है, जो उसने कहा था imperialism क्या होती है? Actually, जो अमेरिका है या जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इम्पीरियलिस्टिक नेशंस हैं, ठीक है, उन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिवली वो ये कहते हैं कि जी हम दूसरे ममालिक के
بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان ورلی اس میں ان ممالک کی کوئی فلاح اور بہبود نہیں ہوتی. وہ آتے اسی نام سے ہیں کہ جی ہم آپ کے ملک میں آئیں گے، ہم یہاں سے جو ہے آپ کے آئل کی کانیں نکال دیں گے، ہم گولڈ کی کانیں نکال دیں گے، لیکن اندر کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امپریلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امپریلزم مینس دا پریکٹس، دا تھیوری اینڈ ایٹیٹیوڈ. کہ امپریلزم کا کیا مطلب ہے؟ ایک پریکٹس، ایک تھیوری اور ایٹیٹیوڈ آف ڈومینیٹنگ میٹروپولیٹن سینٹر. آج ڈومینیٹنگ میٹروپولیٹن سینٹر کون ہے؟ امیرکا. دیٹ رولز آر ڈسٹنٹ ٹیریٹری، جو کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے ڈسٹنٹ ٹیریٹری، یعنی کہ ایک دوسرے علاقے پہ جو آپ سے کہیں دور ہے، لائک افریقہ، لائک پاکستان، بڑے صغیر، یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹنٹ ٹیریٹریز ہیں. یعنی کہ ایک سمندر پار کر کے ہے وہ جی افریقہ، اور ایک طرف امیرکا ہے، اور وہ افریقہ میں جا کے اس کو اپنی پریکٹس کر، وہ جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، ڈومینیٹنگ، ڈومینیٹ کر جاتا ہے. ایک ڈومینیٹنگ میٹروپولیٹن سینٹر کا ایٹیٹیوڈ، اس کی تھیوری اور اس کی پریکٹس کس کے اوپر؟ وہ جو رول کرتا ہے ڈسٹنٹ ٹیریٹری کے اوپر. ٹھیک ہے، جو ایک دور بڑے کے علاقے کے اوپر، جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اوپر یہ لوگ جو قابض ہو جاتے ہیں، اور کس نام سے کہ جی ہم یہاں پہ کیا کیا کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی فلاح. اور کالونیلزم اسی کا دوسرا نام. ٹھیک ہے، امپریلزم کا پرانا نام اگر سمجھ لیں اس کو کالونیلزم کہا جاتا ہے، وچ از آلموسٹ آلویز اے کانسیکوینس آف امپریلزم. اور یہ کانسیکوینس ہی ہے امپریلزم کا، از دا امپلانٹنگ آف سیٹلمنٹس آن ڈسٹنٹ ٹیریٹری، جو کہ امپلانٹنگ آف سیٹلمنٹس ہے، یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں پہ. آپ ہارٹ آف ڈارکنیس پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیے گا امیریکنز کس طریقے سے افریقہ کے اندر جا کے سیٹل ہوئے، اور پھر اس ڈسٹنٹ ٹیریٹری یعنی کہ اس افریقہ کے اوپر کس طرح سے وہ قابض ہوئے، وہاں کی لیبر کو انہوں نے کس طرح سے یوز کیا، وہاں کا را مٹیریل جو کہ ہاتھی دانت تھا اس کو کس طریقے سے یوز کیا، اور وہاں کے لوگوں کو اپنا کس طریقے سے غلام بنایا، اور ان کے غلاموں پہ، دماغوں پہ، ان کے ذہنوں پہ کیسے راج کیا، یہ اس کے اندر کی ساری کہانی ہے. As the historian Michael Doyle puts it, empire is a relationship. Empire جو ہوتی ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، فارمل اور انفارمل، چاہے وہ فارمل ہو ریٹن کانٹریکٹ کے طور پہ ہو، یا انفارمل ہو چاہے وہ زبردستی ہو. Empire ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، چاہے وہ فارمل ہو یا انفارمل، ان وچ ون اسٹیٹ کنٹرولز دی افیکٹیو پولیٹیکل سوورینٹی آف این ادر پولیٹیکل سوسائٹی، جس میں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے افیکٹیو پولیٹیکل سوورینٹی. ایک افیکٹیو پولیٹیکل سوورینٹی یعنی کہ اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے کس کے اوپر؟ آف این ادر پولیٹیکل سوسائٹی، کسی اور پولیٹیکل سوسائٹی کے اوپر. لائک برے صغیر اور امریکہ دونوں ڈفرینٹ پولیٹیکل سوسائٹیز تھی. کہاں ایک بڑے صغیر کا کلچر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا کلچر، کہاں امریکہ کا کلچر. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی سوسائٹی ایک افیکٹو، مطلب لائک ہمارے اوپر یہ دماغوں کے اوپر ایک چھاپ لگا دی گئی کہ دے آر دا سپیریئر اینڈ وی آر دا انفیریئر، اور اگر یہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس تو شاید وہ شاید دودھ کے دھلے ہوئے ہوں گے، تو شاید ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. وہ کام شاید ہندو نہ تو ہندوستان میں کر سکتے ہیں، نہ پاکستانی پاکستان میں کر سکتے ہیں، جو کہ امریکنز یہاں پہ بڑے صغیر میں آ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اٹ کین بی اچیو بائی فورس، یہ فورس کے تھرو بھی اچیو کیا جا سکتا ہے، بائی پولیٹیکل کولیبوریشن، پولیٹیکل کولیبوریشن کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے، اکانومک، سوشل اور کلچرل ڈیپینڈنس. اب یہ اکانومک میں دیکھیں نا کس طریقے سے قرضے دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی بہت ایسے سود پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو دیے جاتے ہیں جو ساری عمر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ اتار نہیں سکتے. پاکستان کے قرضے دیکھیں ہر سال ڈبل، پھر ٹرپل، دین فورتھ، کیوں اربوں میں چلے گئے، کیوں خربوں میں چلے گئے؟ یہ وہ اکانومک امپریلزم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، سوشل اور کلچرل ڈیپینڈنس، اور وہ سوشل اور کلچرل ڈیپینڈنس کے تھرو چاہے وہ کریں، مطلب یہ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بائی فورس بھی کر سکتے ہیں. لائک افغانستان کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن افغانستان میں آج بھی یہ لوگ جنگ نہیں جیت سکتے، پتہ کیوں؟
अफगानियों ने कभी माना ही नहीं कि हम इनफीरियर हैं, तो एंड में क्या करना पड़ा अमेरिका को, उनको फिर बीच में पाकिस्तान को लाना पड़ा और उनको कहा कि चलो जी अब इतने साल हो गए हमें जंग लड़ते लड़ते, हम अब हमारा पैचअप करा रहे, ठीक है। तो फाइनली उनको क्यों, इस वजह से वो उस टेरिटरी पे आज भी कब्जा नहीं कर पाए, उनके दिलों पे आज भी वो राज नहीं कर पाए, क्यों? बिकॉज उन्होंने कभी माना ही नहीं कि ये सुपीरियर है, ठीक है। अफगानी नहीं माने कि भाई हम इंफीरियर हैं, दैट्स व्हाई इंपीरियलिज्म। कोई भी नेशन उस वक्त डोमिनेटिंग डोमिनेटेड होती है, मकबूज हो जाती है, जब वो ये मान लेती है कि वाकई वी आर इंफीरियर एंड यू आर सुपीरियर। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सुपीरियर है, तो कैसे वो पहाड़ों पे फायर करते रहे, ड्रोन हमले भी किए, फाइनली अगर एंड पे भी उनको किसी दूसरे कंट्री का फैसला भी उनके अपने थे, सारा कुछ उनका अपना था, लेकिन एंड में उनको बेचारों को पाकिस्तान की जरूरत पेश आ गई। उसके बाद जो है द 19th सेंचुरी क्लाइमेक्स्ड व्हाट हैज बीन कॉल्ड द राइज ऑफ वेस्ट। 19th सेंचुरी एक ऐसा क्लाइमेक्स था जिसको कहा जाता है कि वो राइज ऑफ वेस्ट था, मगरबी दुनिया का अरूज था। वेस्टर्न पावर अलाउड द इंपीरियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी टू एक्वायर एंड एक्युमुलेट टेरिटरी। अब जब इनके पास पावर आ गई, वो मैंने कहा था ना आपको पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो पावर जो होती है वो हमेशा एक इंसान को करप्ट करती है। नो मतलब उसमें ये कंसर्न नहीं होता कि वो कितना एजुकेटेड है या कितना सिविलाइज्ड है। शैतान तो हर किसी के अंदर है, चाहे वो अंग्रेज है, यहूदी है, या मुसलमान है, या हिंदू है, किसके साथ नहीं है। और ये लस्ट ऑफ पावर, बच्चा मैंने आपको कहा था कि ये इंसान की फितरत में है, ठीक है, उसके खून के अंदर गर्दिश कर रही है कि मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे जो है पैसा मिल जाए, मुझे मेरा राज होना चाहिए। तो ये क्या है, दैट इज द पावर, ठीक है। जवानी में इंसान क्यों अंधा होता है, उसके पास पावर होती है, उसके पास एनर्जी होती है कुछ कर गुजरने का, तो इस वजह से वो कहता है बस खा लो पी लो जी लो मौज उड़ा लो, ठीक है। आगे की आगे देखी जाएगी, तो हर कोई अपनी जवानी को डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उसके पास पावर होती है, ठीक है। कुछ लोग बल्कि मैक्सिमम लोग जो हैं अपनी जवानी बड़ी हंस खेल के गुजार लेते हैं, तो ये वही पार है। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि ये एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी टू एक्वायर एंड एक्युमुलेट टेरिटरी। 19th सेंचुरी जो है वो क्या था, एंड ऑफ 19 वो एक सॉरी वेस्टर्न पावर अलाउड द इंपीरियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी टू एक्वायर एंड एक्युमुलेट टेरिटरी। अब वेस्टर्न पावर्स ने क्या किया, उन्होंने इन इंपीरियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स को एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी का क्या किया, इनको यूज किया टू एक्वायर और एक्युमुलेट टेरिटरी, कि ये दूर पड़े के इलाकों को जो कि जहां से ये रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर सकते थे, इनको चीप लेबर मिल सकती थी, इन्होंने वहां जाके उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। एंड सब्जेक्ट्स ऑन अ ट्रूली एस्टोनिशिंग स्केल, और उन टेरिटरी और उन सब्जेक्ट्स को ट्रूली एस्टोनिशिंग स्केल के ऊपर जो है उन पे काबिज होना शुरू हो गया। कंसीडर दैट इन 1800 वेस्टर्न पावर्स क्लेम्ड 55%, ठीक है। 1800 में वेस्टर्न पावर्स ने 55% क्लेम किया था, but actually held approximately 35% of the earth's surface, but by the 1878 the percentage was 67% of the world held by western powers. lekin pehle inhone 1800 mein to inhone claim to kiya tha ki ji hum 55% duniya ke upar kabiz ho gaye, lekin wo actually 35% tha, lekin 1878 mein percentage jo thi 67% of the world thi held by western powers, which is a rate of increase of 83,000 square miles per year. By 1914, the annual rate by which Western Empire acquires territory has risen to an astonishing 247,000 square miles per year. And Europe held a grand total of roughly 85% of the earth as colonies. फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इतना कॉलोनी मतलब इतना ज्यादा इन्होंने रफली 85% ऑफ अर्थ एज कॉलोनीज इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया, प्रोटेक्टोरेट डिपेंडेंसीज एंड डोमिनियन सेज
William McNeill in his book The Pursuit of Power, the world was united into a single interacting whole as never before. Puri duniya jo hai ek single interacting whole mein unite hogi jo ke pehle kabhi nahi tha. In Europe itself at the end of 19th century, scarcely a corner of life was untouched by the facts of empire. The economics were hungry for overseas markets. Economics yani ke economies jo thi कौन इकोनॉमीज कौन सी वाली इकोनॉमीज ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे ये हंगरी थे फॉर ओवरसीज मार्केट्स बेटा ये अंडरलाइन हाईलाइट कीजिएगा इनको रॉ मटेरियल चीप लेबर एंड प्रॉफिटेबल लैंड ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी ये हंगरी थी फॉर ओवरसीज मार्केट्स रॉ मटेरियल्स चीप लेबर और प्रॉफिटेबल लैंड ये इसके पीछे हंगरी थी दे हैव अ लस्ट फॉर इट डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट were more and more committed to the maintenance of vast tract of distant territory beta yahan pe economies likha na isko western world kar lijiyega kyunki jo aapki book ke andar text likha hua na usme likha hua western world were hungry for overseas market raw material cheap labor and profitable land aur maine aapko bataya hai ki aapne kis tarike se course likhni hai defense and foreign policy establishments were more and more committed to maintenance of vast tract of distant territory and large number of subjugated people or defense or foreign policy establishment jo thi wo more and more committed thi to maintenance of vast tract of distant territory ke wo committed thi ke ye jo distant territory jis vast tracts of distant territory ke wo har waqt in tracts ke upar jo ke किसकी तरफ जाते थे टूवर्ड डिस्टेंट टेरिटरी कहाँ वो इलाके जिसके ऊपर ये काबिज हो गए थे एंड लार्ज नंबर ऑफ वो हर वक्त उसकी मेंटेनेंस करते रहते थे एंड नंबर्स ऑफ सब्जुगेटेड पीपल और वहां से वो ऐसे लोग लेके आते थे जो कि ऐसे लोग लेके आए जो कि गुलाम उन्होंने बना लिया उन्होंने क्या किया कि हर वक्त वो वहाँ की डिस्टेंट टेरिटरी को वो मेंटेन करते रहते थे और वहां से वो कुछ ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सब्जुकेटेड पीपल्स जो हैं जो कि उन्होंने गुलाम बना लिए थे उनकी मेंटेनेंस में लगे रहते थे द वेस्टर्न पार्ट्स वर नॉट इन क्लोज एंड समथिंग रूथलेस कंपटीशन विद अदर फॉर मोर कॉलोनीज और वेस्टर्न पार्ट्स जो थी वो शायद नॉट इन क्लोज एंड समथिंग रूथलेस वो किसी मतलब ऐसे रूथलेस कंपटीशन में शायद नहीं थी विद ईच अदर फॉर मोर कॉलोनीज एक्चुअली ये जितने भी वेस्टर्न पावर्स थी यूरोप अमेरिका रशिया और अमेरिका में क्यों वो हुआ था आपस में वो जो कोल्ड वॉर चली थी रशिया और अमेरिका के दरमियान वो क्यों चली थी दोनों इसी चक्कर में थे कि सारी दुनिया पे राज नहीं रहा वी विल बी द सुपर पावर तो एक्चुअली यही हुआ था फिर फाइनली रशिया टूट गया था ठीक है तो ये वही चीजें हैं कि ये जो वेस्टर्न पावर्स थी वो अब कंपटीशन में पड़ गई यूरोप चाहता था सारी कॉलोनीज पे मेरा राज हो ठीक है ये और अमेरिका चाहता था मेरा राज हो द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस वाज फ्रॉम द बिगनिंग फाउंडेड अपॉन द आइडिया ऑफ इंपीरियम अब इन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट ने एक्सपीरियंस किया एक आइडिया ऑफ इंपीरियम का द यूएस वॉज फाउंडेड एज एन एम्पायर इन्होंने अपने आप को एज एन एम्पायर जो है वो शो कर दिया आर डोमिनियन स्टेट ऑफ सोवरेनिटी जो कि एक डोमिनियन स्टेट ऑफ सोवरेनिटी थी दैट वुड एक्सपैंड इन पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एंड इंक्रीज इन पावर देयर वर क्लेम्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी टू बी मेड एंड फाउट ओवर विद एस्टोनिशिंग सक्सेस देयर वर नेटिव पीपल टू बी डोमिनेटेड वेरियसली एक्सटर्मिनेटेड एंड वेरियसली डिसलॉज्ड अब वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने जब कब्जा किया तो इन्होंने देयर वर नेटिव पीपल्स टू बी डोमिनेटिव वहां के जो नेटिव पीपल थे वो इस तरह के थे क्योंकि देखिए अफ्रीका में अगर ये लोग गए थे तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो सिविलाइज नहीं थे उन्होंने कहा दीज आर वाइट्स वी आर ब्लैक वो डोमिनेट हो गए ठीक है उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया वो मेंटली ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में थे तो उन्होंने अपनी गुलामी मान ली और बड़े आराम से मान ली बगैर लड़ाई झगड़े के वेरियसली एक्सटर्मिनेटेड बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया एंड वेरियसली डिसलॉज्ड और बहुत सारों को डिसलॉज कर दिया गया देन एज द अमेरिकन रिपब्लिक इंक्रीज्ड इन एज फिर जो है अमेरिकन रिपब्लिक जो है इंक्रीज हुई इन एज एंड हेमिस्फेरिक पावर ठीक है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और फिर वो दुनिया के अंदर दुनिया में एक पावर के तौर पे 19th सेंचुरी में उभरी देयर वर डिस्टेंट लैंड्स टू बी डेजिग्नेटेड वाइटल टू अमेरिकन इंटरेस्ट टू बी इंटरवेंड इन एंड फोर्ट ओवर फॉर एग्जांपल द फिलीपींस द
कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका, द बारबेरी कोस्ट, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड द मिडल ईस्ट, वियतनाम एंड कोरिया. इन आवर टाइम्स डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म ऑफ अ काइंड, फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश इन इंडिया और फ्रेंच इन अल्जीरिया एंड मोरक्को, has largely ended. Yet imperialism lingers where it often has been, in a kind of general cultural sphere as well as its specific political, ideological, economic and social practices. The point Edward wants to make it is that neither imperialism nor colonialism is a simple act of accumulation and acquisition. अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो एडवर्ड सेड जो है वो क्लियर करना चाह रहा है कि ना तो कोई इंपीरियलिज्म ना कॉलोनियलिज्म कोई सिंपल एक्ट ऑफ एक्युमुलेशन नहीं है और एक्यूजेशन नहीं है कि आप एक्युमुलेट कर जाएंगे, आप अपनी पावर इम्पोज कर देंगे और आप उनको उस लैंड को एक्वायर कर लेंगे, उसके काबिज हो जाएंगे. इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग आउट देयर एंड गेटिंग अ टेरिटरी. ना ही ये ऐसा है कि आप वहां पे गए और आपने उसकी उनके इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया and sitting on it, और आप वहां जाके बैठ गए. Both of these practices are supported and perhaps even impaired by impressive cultural formation. अब किस तरीके से ये करते हैं, ये practices होती हैं कुछ ऐसी जो कि support करती हैं, practices are supported, ऐसी practices को support किया जाता है and perhaps even impaired by impressive cultural formulation or formations or even ऐसी इम्प्रेसिव कल्चर फॉर्मेशंस को इम्पोज किया जाता है दैट इंक्लूड आइडियाज दैट सर्टेन पीपल एंड सर्टेन टेरिटरीज रिक्वायर. ऐसे आइडियाज जो हैं वो मतलब उनकी फॉर्मेशन होती है कि वहाँ के जो सर्टेन पीपल होते हैं और सर्टेन टेरिटरी उनको वो रिक्वायर्ड होती है एंड बिसीज डोमिनेशन. और इस तरीके से अगर अंडर हैंड देखा जाए तो वो जो है वहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं. क्या करके कि कुछ ऐसी चीजें वहां पे प्रैक्टिस की जाती हैं जो कि उस एरिया को जरूरत होती है. लाइक अफ्रीका के अंदर अमेरिका का ये ख्याल था कि उनका कोई अपना कल्चर नहीं है, तो उन्होंने उनको जाके कहा कि जी हम आपको सिविलाइज करने आए, हम आपको एजुकेट करने आए. बड़े सगीर में भी यही हुआ था कि जी शायद आपका कल्चर इतना अच्छा नहीं है, हमारा ज्यादा अच्छा है, तो हम आपको एजुकेट करने आए. अभी ये जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्या है, क्या है वो? बेसिकली यही है, ठीक है, हमारे माइंड्स, हमारे अंदर एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जाता है जो उनको लगता है हमारी नीड है और इवन हमें भी लगता है हमारी नीड है. हर बंदा इंग्लिश के पीछे नहीं भाग रहा, क्यों? रीजन इज दैट कि हमें ये लगता है, हम तो इंग्लिश, मतलब मैं तो खैर हर किताब ही पढ़ लेती हूँ तो, लेकिन नॉर्मली जो मैंने एक सोच देखी है जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर गई है, माए बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाती हूँ उनकी स्पोकन अच्छी हो जाए. मेरी देखिए स्पोकन अच्छी होने में और कैरेक्टर बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है. बच्चा इंग्लिश में गाली दे रहा है तो माँ हंसती है, देखे मेरा बच्चा इंग्लिश में गाली दे रहा है, तो गाली ना, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई. वो देखिये स्कूल में आप बच्चे को भेजते हैं स्पोकन के लिए नहीं भेजते, आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भेजते हैं, तरबियत के लिए भेजते, ठीक है. स्पोकन इम्प्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा क्या है, ब्रिटिश स्कूल्स के अंदर, अब ये ब्रिटिश स्कूल्स आ गए हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो एक डिजाइन किए गए हैं, तो ये क्या है, वो एक्चुअली एक आइडिया, एक प्रैक्टिस, उसको इम्पोज किया जाता है ऐसे कंट्रीज के अंदर के देखें आपके मुल्क को इस चीज की जरूरत है और लेट्स हम जो है इसको वो करते हैं, ठीक है, इस पे इम्पोज करते हैं. और इसके लिए क्या होता है, ना तो ब्लडशेड्स लगते हैं, ना उनको जंग करनी पड़ती है, ना उनका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, सिर्फ वो माइंड्स को मोल्ड करते हैं और उनकी कामयाबी हो जाती है. मैंने आपको कल एक बात बताई थी किस तरीके से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं. अभी आप जरा इंटरनेट खोल के देख लें, पाकिस्तानियों की फेसबुक जो है वो उसके ऊपर एक स्पॉन्सर्ड वो जरूर आएगा एड, इमिग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, इमिग्रेशन इन जर्मनी, इमिग्रेशन इन फ्रांस और स्कॉलरशिप बेस्ड स्टडीज इन जर्मनी डिसेंट है, ठीक है. और आपको पता है कितने तरीके से फेसबुक के ऊपर टारगेट किया जाता है इन ऑडियंस को, तो ये सारी कहानी है इसकी. द प्राइमेसी इन 19th सेंचुरी एंड थ्रू मोस्ट ऑफ द 20th ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच एम्पायर बाय नो मीन्स ऑब्स्क्योर्स द क्वाइट रिमार्केबल मॉडर्न एक्सपेंशन ऑफ स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, जापान एंड इन अ डिफरेंट वे रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स.
और प्राइमेसी देखी जाए अगर 19th सेंचुरी में एंड थ्रू मोस्ट ऑफ द 20th, तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर जो थी बाय नो मीन्स इन्होंने ऑब्सक्योर किया द क्वाइट रिमार्केबल मॉडर्न एक्सपेंशन ऑफ स्पेन को, पुर्तगाल और इन सारी जगहों पे इन्होंने अच्छा खासा ऑब्सक्योर किया. रशिया हाउएवर एक्वायर्स इट्स इंपीरियल टेरिटरीज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय एडजेसेंट, दैट इज टू से टेकिंग टेरिटरीज दैट आर ईस्ट और साउथ ऑफ एक्चुअल बॉर्डर्स ऑफ रशिया. अब रशिया ने भी क्या किया कि उन्होंने एक्वायर कर दिया, करना शुरू कर दिया इंपीरियल टेरिटरीज को, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय एडजेसेंट, जो कि उनके बिल्कुल करीब करीब थी, दैट इज टू से जो कि उनका टेकिंग टेरिटरीज जो कि ईस्ट और साउथ ऑफ एक्चुअल बॉर्डर ऑफ रशिया थी, उन्होंने उसको एक्वायर करना शुरू कर दिया, ठीक है. अनलाइक ब्रिटेन और फ्रांस, इसी तरह ब्रिटेन या फ्रांस उन्होंने क्या किया, मतलब अनलाइक ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बिल्कुल अनलाइक विच जम्प थाउजेंड्स ऑफ माइल बियॉन्ड देयर ओन बॉर्डर्स टू अदर कॉन्टिनेंट. ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया कि ये उन्होंने तो रशिया ने तो ये किया ना कि भाई उनके बॉर्डर के साथ साथ जो टेरिटरीज थी वो उस पर काबिज होना शुरू हो गया, ठीक है, ताकि वो उनको उनकी लैंड बढ़ जाए. लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने माइल्स बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जो है दूसरे वो कॉन्टिनेंट्स में गए. रशिया मूव टू स्वेलो वट एवर लैंड ऑफ पीपल स्टूड नेक्स्ट टू इट्स बॉर्डर. रशिया ने क्या किया, जो जो उनके बॉर्डर के साथ साथ जो लैंड्स थे उन्होंने उसको उस पर वो काबिज होना शुरू कर गए. विच इन द प्रोसेस केप्ट मूविंग फर्दर एंड फार्दर ईस्ट एंड साउथ, जो कि उससे क्या हुआ कि वो रशिया जो है वो ईस्ट और साउथ की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो गया, यानी कि एक्सपेंड होना शुरू हो गया. बट इन ब्रिटिश एंड फ्रेंच केसेस द शियर डिस्टेंस ऑफ अट्रैक्टिव टेरिटरी समंड द प्रोजेक्शन ऑफ फॉर फ्लंग इंटरेस्ट. लेकिन रशियन सॉरी फ्रेंच और ब्रिटिश इतने तेज निकले, उन्होंने ना डिस्टेंट टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया, और किस लिए, फार फ्लंग इंटरेस्ट. रशिया ने तो ये किया ना भाई उनके बॉर्डर के साथ साथ जो जो है वो वहां पे काबिज होते चले गए. लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच ने क्या किया, उन्होंने डिस्टेंट टेरिटरीज जहां पे उनको चीप लेबर लैंड रॉ मटेरियल मिलता था वो वहां पे जाके बैठ गए. बट देयर इज मोर देन दैट ऑफ इंपीरियलिज्म, लेकिन इंपीरियलिज्म में इससे भी ज्यादा है. There was a commitment to imperialism over above profit. लेकिन imperialism में एक commitment है, वो क्या है, कहीं ज्यादा profit चाहिए, lust for profit, over and over profit, lust for profit है. A commitment in constant circulation and recirculation. ये commitment है कि जी आप constant circulation करेंगे पैसे की, labor की, cheap labor की, raw material की और land की. And recirculation, which on one hand allowed decent men, एक तरफ से तो वो decent men allow करते हैं, and women from England or France, from London or Paris, to accept the notion कि वो one hand वो एक decent men और women मतलब वो अपने आप को civilized show करते हैं, ये notion show करते हैं कि ये जो dominating societies हैं, यानी कि हम लोग हैं, हमारे सामने एक notion show किया जाता है कि ये these are decent men and women. So welcome to your distant इनको अपनी territory में आप जो है भाई welcome करें, and distant territories and their native peoples should be subjugated. और उनको झुकना पड़ेगा इन distant territories को, like बरेसगीर के अंदर क्या हुआ था कि इन territories को झुकना पड़ा and their native peoples should be subjugated. क्यों, क्योंकि वो लोग तो decent है और हम लोग शायद अनसिविलाइज्ड हैं, एंड ऑन द अदर हैंड रिप्लेनिश्ड मेट्रोपॉलिटन एनर्जी सो दैट दीज डिसेंट पीपल कुड थिंक ऑफ एम्पायर्स एज प्रोटेक्टर. और फिर जो है रिप्लेनिश किया जाता है इन मेट्रोपॉलिटन एनर्जीज को, यानी कि प्रैक्टाइज किया जाता है सो दैट कि ये जो डिसेंट पीपल हैं ये सोच सकें ऑफ एम्पायर, उस एम्पायर का जहाँ पे आके इन्होंने कब्जे जाके बैठ गए, कि ये उनके प्रोटेक्टर हैं, एज अ प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट मेटाफिजिकल ऑब्लिगेशन टू रूल सबऑर्डिनेट. और शायद वो उनकी मेटाफिजिकल ऑब्लिगेशन है कि वो रूल करें इन सबऑर्डिनेट इन्फीरियर और लेस एडवांस पीपल को, ठीक है. अब क्या होता है, मैंने आपको कहा कि देखें कोई भी नेशन आप पे काबिज नहीं हो सकती जब तक कि आपको मेंटली गुलाम ना बनाया जाए, ठीक है. जब तक आप दिमागी तौर पे गुलाम नहीं है कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता. अब क्या होता है, हुआ कि हमारे जहनों में एक सोच दे दी गई कि वो ज्यादा डिसेंट है. आज भी देख लें, हर वक्त हम अंग्रेजों की
या जितनी भी दूसरी नेशंस हैं उनकी तारीफें करते हैं, हम थकते नहीं हैं। द रीजन इज दैट कि वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि हमारे जहनों पे एक ये जो सिविलाइज्ड कल्चर है ना, कि सिर्फ उन्हीं का सिविलाइज्ड कल्चर है और हमारा नहीं है, तो हमें उस पे लगा दिया गया, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए और वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। वो लोग जब यहाँ आते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस से आते हैं कि जी हम आपके मुल्क में आए हैं, और हम जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, क्योंकि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पीपल है, हम वहां पर डर डर के रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो सिविलाइज्ड है, हम नहीं है, तो कहीं हमसे कोई ऐसी गलती खामी ना हो जाए। यहाँ पे वो आते हैं, हमारे लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल के चले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं उनको कहते, ठीक है। आती है ना गाड़ियां वहां की, और फिर क्या क्या कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनको सजा भी नहीं है। तो व्हाट इज दिस? दैट इज बेसिकली हम लोगों को वो हमारे जहनों में ये चीज बिठा दी गई, क्योंकि हम इंफीरियर हैं, लेस एडवांस हैं, उनके आगे बोल नहीं सकते। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सैड टॉपिक, दैट देयर वाज अ लिटिल डोमेस्टिक रिस्ट्रेंट इनसाइड ब्रिटेन एंड फ्रांस, देयर वाज अ काइंड ऑफ ट्रिमेंडस अनएनिमिनिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ हैविंग एन एम्पायर। देयर वाज अ वेरी लिटिल डोमेस्टिक रेजिस्टेंस टू इंपीरियल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। Although these empires were very frequently established and maintained under adverse and even disadvantageous conditions, not only were immense hardship in Africa, wild or waste, the dark continent, as it was called in the later part of 19th century, endured by the white colonizers, but there was always tremendously risky physical disparity between a small number of Europeans at a very great distance from home and a much larger number of natives on their home territory. In India, for instance, by the 1930s, and mere 4,000 British civil servants, assisted by 60,000 soldiers and 90,000 civilians, had billeted themselves upon a country of 3 crore people. Joseph Conrad so powerfully seems to have realized in Heart of Darkness. Joseph Conrad जो है उसने Heart of Darkness में बड़ा powerfully इस चीज को realize किया है। वो भी जो है British था, और he says that the difference between us in modern period, the modern imperialist and Romans is the Romans were there just for you. अब यहाँ पे इस line को underline कीजिएगा। उसने ये कहा था कि हम में, हम अमेरिकन में मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न इम्पीरियलिस्ट और जो रोमन, रोम में और हम में सिर्फ ये फर्क है अमेरिकन और रोम्स में, कि रोमन ने जो है जस्ट फॉर लूट जो है हमला किया था, दे वर जस्ट स्टीलिंग, वो सिर्फ स्टील कर रहे थे, यानी कि खुले आम स्टील कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, बट वी गो देयर विद एन आइडिया। लेकिन हम यानी कि ब्रिटिश जो है, हम एक आइडिया के साथ वहां गए। He was thinking obviously of the idea. वो जो है उस आइडिया के बारे में सोच रहा था जो ब्रिटिश आइडिया था। फॉर इंस्टांस इन अफ्रीका ऑफ फ्रेंच एंड ऑफ बेल्जियन देयर वॉज यू, यानी कि ब्रिटिश गो टू दीज कॉन्टिनेंट्स, यू आर नॉट जस्ट ड्रॉपिंग द पीपल ऑफ देयर आइवरी एंड स्लेव एंड सो ऑन। असल में ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी ना इसने, जोसेफ कॉनराड ने, वो एक कहानी थी कि ब्रिटिश किस तरीके से एक बेल्जियन कंपनी थी जो कि इस नाम पे गई थी अफ्रीका के अंदर, के भाई हम जो है ना आप लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे। लेकिन ये इस आइडिया के साथ वहां गए थे कि जी ये एक इम्पीरियलिस्टिक नेशन है, वहां पे जाके इम्पीरियलिज्म वो कायम करेंगे और उनके लिए बहुत काम शाम करेंगे, उनका कल्चर जो है उनको सिविलाइज करेंगे, ठीक है। इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दे गो देयर इन द नेम ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, कि जी हम आपके लिए बहुत काम करेंगे। तो ये बेल्जियन कंपनी में जो इसका हीरो था हार्ट ऑफ डार्कनेस का, वो एक बेल्जियन कंपनी में होता है और वो बेसिकली ब्रिटिश होता है, और वो अपने आप को व्हाइट समझता है। लेकिन जब वो उस कॉन्गो रिवर से जहाज के जरिए जब उधर पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि बेसिकली अफ्रीकन्स आर नॉट ब्लैक्स, वी आर आउटवर्डली वाइट्स एंड इनवर्डली ब्लैक्स।
तो वो जो उसको अफ्रीकन्स के अंदर आउटवर्डली ब्लैकनेस नजर आई थी, उसने कहा ये जो ब्रिटिश है ये इनवर्डली ब्लैक है, ये इन्होंने अगर रोम ने जो है स्टीलिंग की थी, रोबिंग की थी, लूट किया था, तो हमने भी तो इन लोगों को लूटा ही है. यू आर नॉट जस्ट रोबिंग द पीपल ऑफ आइवरी एंड स्लेव्स एंड सो ऑन, तुमने सिर्फ, यानी कि तुम ब्रिटिश लोगों ने, खुद भी वो ब्रिटिश ही था, तुम ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ लोगों को रॉब ही नहीं किया, उनकी आइवरी यानी कि उनका हाथी दांत ही नहीं लिया, उनको स्लेव भी बनाया एंड सो ऑन, यानी कि इससे कहीं ज्यादा यू आर इम्प्रूविंग देम इन सम वेज, बल्कि तुम कुछ वेज में उनको इम्प्रूव भी कर रहे थे. द आइडिया फॉर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच एम्पायर वॉज दैट फ्रांस हैड अ मिशन सिविलाइज द ट्राइब्स. फ्रांस का तो एक मिशन था कि वो मिशन सिविलाइजेशन था, that it was there to civilize the natives, ke unhone kaha tha ki hum yahan pe natives ko civilize karne aaye hain. It was a powerful idea, ye to ek powerful idea tha. Obviously not so many of natives believed it. Obviously wahan ke africa ke bahut se natives wo believe nahi karte the, but french believed, lekin french they believe karte the, that was that they are doing. wo ye believe kar rahe the hum jo inke inko aake culture padha rahe hain, hamara culture bilkul theek hai aur jo inka culture hai wo shayad galat hai. हम मुसलमानों को पढ़ाया गया है कि जो अंग्रेजों का कल्चर है वो ठीक है और हमारा कल्चर गलत है. दैट्स व्हाई बेटा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उनकी अडॉप्ट कर ली है. सिर्फ लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज के साथ कल्चर भी आता है. उस क्या उस इंग्लिश के साथ हमारे अंदर बेहयाई आम नहीं हो गई? क्या हमारी लड़कियां पेंट शर्ट्स में नहीं होती? हमारी लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव नहीं करती? क्या वो शर्म हया का पैकर रह गई है? आप सोचें जरा लैंग्वेज के साथ क्या क्या होता है. हमारे बेटों को ये बात समझाना कि बेटा तुम लड़के हो और लड़कों के साथ ही दोस्ती करोगे, तुम लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करोगे, माओं के लिए ये समझाना कितना मुश्किल है. और एंड में फाइनली क्या होता है, नाइन टेंथ के बच्चे बच्चियां, वो देखा था पिछले साल नाइन टेंथ के वो एक लड़की और लड़की ने एक दूसरे को गोली मार दी सिर्फ इस वजह से टेंथ क्लास के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं माने, एंड उम्रें देखे उनकी और उनकी हरकतें देखी और दोनों ने सुसाइड कर ली थी स्कूल के अंदर. तो अब आप खुद सोचें कि देखें बेहयाई क्या आम नहीं हो रही उस. और फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा इंग्लिश मूवीज देखो, बेशक उसके अंदर जितना मर्जी गंद है तुम्हें इंग्लिश तो आ जाएगी ना. और हम उनकी आंखों की भी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों के कानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे. वो जो डायलॉग्स वो सुन रहे हैं, आप सोचें वो कितने बेहयाई के डायलॉग्स हैं. सोचिए इनका लैंग्वेज पढ़ाने के, सिखाने के और भी बहुत से तरीके हैं. वो जो कार्टून मूवीज हैं उसमें कभी वो फीमेल कार्टून्स की तरह ड्रेसेस देखें, जरा सोचें हम अपने बच्चों की नजरों की कैसे हिफाजत कर रहे हैं, हम उसको सारा कुछ बता रहे हैं. द आइडिया ऑफ हैविंग एन एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आइडिया ऑफ हैविंग एम्पायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द सेंट्रल फीचर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन. वो कहता है आइडिया ऑफ एम्पायर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये कौन कह रहा है? ये जोसेफ कॉनराड कह रहा है और वो सेंट्रल आइडिया, और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी हूँ. ऑल द काइंड्स ऑफ प्रिपरेशंस आर मेड फॉर दिस आइडिया, और ये तमाम काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन मेड फॉर दिस आइडिया विद अ कल्चर एंड देन इन टर्न एंड इन टाइम इंपीरियलिज्म एक्वायर्स अ काइंड ऑफ कोहेरेंस. इस आइडिया के साथ वो आते हैं और इंपीरियलिज्म एक काइंड ऑफ कोहेरेंस एक्वायर कर जाती है, अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंस ऑफ रूलर, और सेट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ऑफ रूलर और रूल्ड अलाइक विद इन द कल्चर, और उनके कल्चर के अंदर रह के आप रूलर भी होते हैं और आप रूल भी कर रहे होते हैं. आप यानी कि वहां पे ऐसे उनके अंदर रच बस जाते हैं कि उन बेचारों को पता भी नहीं चलता कि जी हम गुलाम बन गए हैं, और वो बेचारे गुलाम बन भी जाते हैं. वी आर मेंटली स्लेव, ठीक है, हमें खुद पता नहीं है, हमें मेंटली स्लेव बना लिया गया. सोचे इस चीज के बारे में किस तरीके से हैं, क्या क्या कर रहे हैं. टू अ वेरी ग्रेट डिग्री द इरा ऑफ हाई 19th सेंचुरी इंपीरियलिज्म इज ओवर. फ्रांस एंड ब्रिटेन गिव अप देयर मोस्ट स्प्लेंडिड पोजीशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एंड लेसर पावर्स ओवर आल्सो डाइवेस्टेड देमसेल्फ ऑफ देयर फार फ्लंग डोमिनियन. अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर एक ग्रेट डिग्री पे देखा जाए तो इरा ऑफ हाई 19th सेंचुरी इंपीरियलिज्म अब खत्म हो चुका है. फ्रांस और बेल्जियम